हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी का स्वागत है अमानत टीवी चैनल में। दोस्तों, अगर इस तरह का नवरात्रि का पोस्टर बनाना चाहते हैं तो इस तरह का नवरात्रि का पोस्टर बनाना चाहते हैं एचडी में, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए, तो इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसका पीएलपी फाइल का लिंक मिलेगा, उस पीएलपी फाइल को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, उस पीएलपी फाइल को डाउनलोड कैसे करेंगे, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। वो लिंक मैं यहाँ पर कॉपी करके रखा है व्हाट्सअप में, तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर टच करना है, टच करके इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इस ऊपर देख सकते हैं इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। यहाँ भी यहाँ देख सकते हैं इसका डाउनलोडिंग चालू हो गया। तो इसको डाउनलोड कर लेना है, इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने बस आपको पिक्सल में आ जाना है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको पिक्सल लैब अपने पास नहीं है तो आपको करना है प्ले स्टोर से पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले से जो मैं पोस्टर यहाँ पे बनाया तो सब यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए, आप पिक्सल लैब जब अपना ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनिटिक्स को यहाँ से डिलीट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो थ्री डॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने बस आपको यहाँ पे नीचे ओपन डॉट पी एल पी फाइल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने बस यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप पी एल पी लिखा हुआ है छोटा अक्षर में, तो इसको ऊपर टच करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे पीएलपी फाइल जो मैं बनाया हूँ तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता है दूसरा। तो देखिए, इसके ऊपर टच करना है। टच करने बाद से देखिए यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आपको शो करेगा इस तरह से, जो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है हमारा डे नवरात्रि स्पेशल पोस्टर पीएलपी, तो ये आपको डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं शो कर रहा तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है, और उसके बाद इसको ऊपर टच कर देना है। टच करने के बाद आप ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये ऐड हो गया। उसके बाद आपको इसमें जो चेंज करना चाहते हैं तो समझ लिया, यहाँ पे हम फोटो चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे अंकुश राजा का मैं फोटो लगाया हूँ तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको पे क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और जो फोटो ऐड करना है उस फोटो को हम ले लेंगे। तो हमको ये फोटो यहाँ पे ऐड करना है, तो इस फोटो को हम यहाँ पे लाके यहाँ से इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरह से। देखिए, आपको यहाँ पे जितना मतलब छोटा चना चलाते हैं छोटा कर सकते हैं, और इस तरह से ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड करने बस दोस्तों आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको इस तरह से उंगली से प्रेस करके रखना है और इस तरह से नीचे खींच के लाना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे नीचे ला देना है, और इस तरह से फोटो को जो बॉर्डर लाइन हम यहाँ पे बनाए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से बॉर्डर लाइन बनाया हूँ। तो इसको मैं सब एक साथ यहाँ पे कर देता हूँ, जो बॉर्डर लाइन इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए, इस पर हम क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। देखिए इस तरह से, तो अभी जो हम बॉर्डर लाइन बनाया तो पूरा एक बन गया। अभी इसको किधर भी हिलाएंगे तो एक साथ पूरा हिलेगा। तो इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद से देखिए, अब आपको जो यहाँ पे फोटो सेव कर ली, यहाँ पे फोटो एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ से जो नाम लिखना है तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं आप, तो इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे और एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने बस आपको यहाँ पे नाम चेंज कर देना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। इस तरह से नाम लिख लेना है, नाम लिख के आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाना है, और यहाँ से अगर कोई बैकग्राउंड दूसरा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा कोई एक बैकग्राउंड यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता है चेंज करके। तो समझिए, ये वाला बैकग्राउंड हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस बैकग्राउंड को लगा दिए। तो ये पहले से बैकग्राउंड में यहाँ पे लगाया हूँ तो इसको आपको यहाँ से पहले डिसेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा बैकग्राउंड। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर कोई आपके पास दूसरा बैकग्राउंड है तो उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप फोटो के यहाँ पे जो मैं फोटो यहाँ पे ये यह फोटो जो लगाया है इस फोटो को चेंज करना चाहते हैं, देख सकते हैं ये फोटो है, तो
इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस फोटो को, तो इस फोटो को भी चेंज कर सकते हैं आप। तो इस फोटो को चेंज करने के लिए आप इसको भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से दूसरा कोई फोटो ले लेंगे, जो फोटो आपको लगाना है। तो यहाँ पे दूसरा कोई फोटो मैं यहाँ पे देखिए ये वाला फोटो ले लेता हूँ, और इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे लाके इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे लाके यहाँ पे इस तरह लगा देंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से इस फोटो को हम लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद से अब आपको इसको सेव कर लेना है। तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। इसको सेव कर लेना है, पहले इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको HD में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको HD में करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो वो वाला एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में दिखा देता हूँ। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्पीक जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से तो यहाँ पे इस ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने बस आपको यहाँ पे यूज इट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से जो पोस्टर हम एडिट किए उस पोस्टर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये वाला पोस्टर है तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने बाद इसको हम यहाँ से ओके कर, यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद कुछ 30 सेकेंड का ऐड आएगा, तो उस ऐड को आपको पूरा देख लेना है। तो ऐड को पूरा देख लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ऐड आएगा, उस ऐड को पूरा देख लेना है। उसके बाद से इसको आप HD में कर पाएंगे। What a quick thing. तो इस तरह से ऐड आएगा, तो ऐड को आपको पूरा देख लेना है। ऐड को देखने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद से आपको यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे तो आपको पूरा फुल HD में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे फोटो पूरा HD में आपको दिखेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, यानी सेव कर लेना है। सेव कर लेना है, उसके सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे गूगल मतलब फ़ोटो में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, छोटे फोटो फाइल्स में। तो यहाँ पे जो हम पहले की, तो अभी जो हम बनाए वो वाला देखिए, यहाँ पे पोस्टर यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी क्वालिटी मतलब यहाँ पे कम नहीं है। तो इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं। इसमें जो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज किया हूँ, जो इन सब का भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।